अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने रेड लाइट रिसीवर को कैसे ठीक कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं, हमारा ये जो रिसीवर है वो रेड लाइट पे है, तो ये चेक कर सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन करते हैं और इसको फॉल्ट आपको चेक करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर कि आपके पास रिसीवर के बारे में फॉल्ट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के तकरीबन सभी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाते हैं। अगर आपके पास कोई LCD TV या रिसीवर के बारे में कोई मसला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो रिसीवर हमारा हो चुका है ओपन, और ये देख सकते हैं पाकिस्तानी जुगाड़। ये देखिए फ्रेंड्स ना ये रिसीवर GX का है, GX 6605 का है, और ना ही Ali 3510C का है। ये देख सकते हैं आप, ये तो प्रैंक जैसा ही है कुछ, बल्कि ये रिसीवर ब्लैक GoTo ओल्ड मॉडल का है। ये देख सकते हैं, ये किसी भाई ने जुगाड़ करके लगाया हुआ है ये रिसीवर। ये जो हमारे पास इसकी बॉडी है वो है दूसरी GX या Ali 3510C की है, लेकिन जबकि इसमें रिसीवर जो उन्होंने सर्किट इंस्टॉल किया हुआ है वो है हमारे पास ब्लैक GoTo का। और ये आप इसकी हालत कुछ देख सकते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे इसकी फिटिंग की हुई है। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपनी हर वीडियो में यही बताया है कि आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसे रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एक होते हैं हमारे 3.3 वोल्टेज और एक होते हैं 1.5 वोल्टेज। तो मीटर मैं कैमरे के सामने कर देता हूं और इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो एक ब्रांड में ग्राउंड पे लगा दूंगा और ये देखते हैं 1.5 वोल्टेज हमारे जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं, और यहाँ पर हमारा होगा 3.3 वोल्टेज, वो भी हम चेक कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप, हमारे 3.3 वोल्टेज भी ओके हैं और 1.5 वोल्टेज भी ओके हैं, हमारा फ्लैश पे भी करंट आ रहा है। तो इसमें मसला ये होता है कि जब भी हमारे वोल्टेज सब ओके आ रहे हों, तो मैं आपको कैमरा स्टैंड से उतार के दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं, ये देख IC के आगे ये जो इसका मेन IC इसके आगे ये छोटे छोटे से रजिस्टर की ये लगे होते हैं, कफ टाइप लगे होते हैं, तो ये हमारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो तब हमारा रिसीवर जो है रेड लाइट पे चला जाता है। तो ये इस मॉडल में 5 होते हैं, GX में नहीं होते, Ali 3510C में होते हैं या ब्लैक GoTo ओल्ड मॉडल में होते हैं। तो चलिए, हम क्या करेंगे, इसको हीट गन की मदद से सोल्ड करेंगे सिंपली, और हमारा ये जो फॉल्ट है वो सही हो जाएगा। तो मैंने हीट गन को ऑन कर लिया है, अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको हमने करना है सोल्ड, और उसके बाद दोबारा हमको चेक करवाएंगे कि हमारा फॉल्ट ये ठीक होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपके पास Ali 3510C हो या ब्लैक GoTo ओल्ड मॉडल हो, तो आपके पास जब सारे वोल्टेज ठीक आ रहे हों, आपका रिसीवर ओके ना चल रहा हो, तो उसमें मसला इन कफों का होता है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा निकाल के दोबारा लगाओगे तो ये तब भी ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, मैं यही करने वाला हूँ, आप इनको हीट देनी है और एक दफ़ा निकाल के दोबारा से लगा दें। ये इसकी सोल्डरिंग जो है हमारी वो हो चुकी है, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा, हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो अब हम चेक करेंगे, और फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारा ये रिसीवर जो है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा रिसीवर जो है वो बिल्कुल ओके हो गया है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ दबा दीजिए बेल के आइकन को ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो मिस ना कर सको। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बता देना है। चाहे आपके पास रिसीवर के बारे में कोई फॉल्ट हो, LED के बारे में फॉल्ट हो या TV के बारे में फॉल्ट हो, हम उसके लिए डिटेल के साथ आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।